नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये रीजनिंग की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। तो ये जो रीजनिंग की टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें उन सारे प्रश्नों का समावेश किया गया है जो विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं। जैसे आप अगर जो बात करें स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन की, अगर जो आप बात करें जो रेलवे कंडक्ट कराते हैं जो भी एग्जामिनेशन, या अगर जो स्टेट पब्लिक से मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी कोई एग्जामिनेशन कराती है जिसमें भी रीजनिंग पूछे जाते हैं, तो सारे के सारे एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। अगर जो आप लोग एग्जाम दे रहे हो या कभी भी एक भी पेपर दिया होगा, तो आप लोग को पता होगा कि ये जो जितने भी जो प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं, ये ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक है, चलिए हम 30-30 क्वेश्चन का प्रत्येक वीडियो में एक कलेक्शन लाया हूँ। अगर जो आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, देखिए, अपनी स्टडी को आगे करिए। दोस्तों रीजनिंग की जितनी भी वीडियो पड़ी हुई है ना प्लेलिस्ट में, अगर जो इतने भी वीडियो का आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट कर लिया, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन रीजनिंग की वजह से रुकने वाला नहीं है, ठीक है। दोस्तों रीजनिंग की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो दिया है, एक अभिकथन दिया है और एक कारण दिया है, ठीक है। दोस्तों आपको बताना है कि क्या इसमें सही है और इसमें क्या गलत है, ठीक है। दोस्तों चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। अभिकथन जो दिया है दोस्तों वो क्या है, अभिकथन जो दिया है दोस्तों वो दिया है, चमगादड़ एक स्तनपाई है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपके जीके को भी टेस्ट कर रहा है दोस्तों। अगर जो जीके में आप लोग वीक हैं तो इस प्रश्न को शायद न कर पाए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इतना तो ये बेसिक सी चीज है दोस्तों, बेसिक है मैटर ये। चमगादड़ एक स्तनपाई है, बिल्कुल करेक्ट चीजें हैं दोस्तों, स्तनपाई ही होता है। चमगादड़ उड़ नहीं सकते हैं दोस्तों, चमगादड़ कौन कहता है दोस्तों कि उड़ नहीं सकता है, चमगादड़ बिल्कुल उड़ सकता है दोस्तों, चमगादड़ क्या करता है दोस्तों, उड़ता है, चमगादड़ जो होता है दोस्तों वो उड़ता है, ठीक है। देखिए असभ्य तरंगे और परासभ्य तरंगों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पे चमगादड़ मेंशन किया है कि चमगादड़ क्यों रात्रिकालीन में उड़ पाते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चमगादड़ ऐसा नहीं है कि उड़ता नहीं है, वो उड़ सकता है, ये जो कारण दिया है ये गलत दे दिया दोस्तों, लेकिन जो चमगादड़ है एक स्तनपाई है ये एग्जैक्टली राइट है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा एकदम एग्जैक्ट राइट होगा, क्योंकि ए सच है लेकिन आर गलत है, ठीक है दोस्तों, ए सच है आर गलत है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, देखिए इजी सा प्रश्न आ गया। इजी हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कुछ करना नहीं होता है। यस को 2 लिख दिया है, ठीक है, ई को 4 लिख दिया है, यल को 8 लिख दिया है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही आर को 1 लिख दिया है, ई को 4 लिख दिया है, ए को 7 लिख दिया है, ठीक है, सी को 3 लिख दिया है और एच को 6 लिख दिया है। और इसी आधार पे पूछा है दोस्तों, इसी आधार पे आपसे पूछा है आर ई एस ई ए आर सी एच का मान बताइए क्या होगा दोस्तों। आर का मान क्या पुट करना है हमको, आर का मान 1 पुट करना है, ठीक है। ई का ये वाला ई देखिए, ये ई है, ई का मान क्या पुट करना है दोस्तों, ई यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा ई मतलब 4 दिया है दोस्तों, ये 4 हो गया, ठीक है। अगला क्या दिया है दोस्तों, यस, यस का मान क्या है दोस्तों दिया हुआ है, यस का मान 2 दिया है, ये यस है दोस्तों, ये 2 दिया है, ठीक है, इसका मान 2 दिया है, 142, ठीक है, यहाँ नहीं। अब देखिए अगला दिया है दोस्तों ई, ई का मान क्या दिया है दोस्तों, ई का मान फिर से 4 दे दिया, ये ई का मान दोस्तों यहाँ पे दीजिए 4 दे दिया है, ठीक है। तो देखिए 14-24 किसमें आ रहा है दोस्तों, 14-24 किसमें आ रहा है, 14-24 इसमें भी आ रहा है, 14-24 इसमें आ रहा है, 14-14 इसमें आ रहा है, गलत हो जाएगा, 14-21 ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए या सी होना चाहिए दोस्तों। अब इसमें हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, लास्ट वाले देख लेते हैं। ए का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये देख लीजिए, ए जो दिया है क्या दिया हुआ है दोस्तों, ए यहाँ पे है तीसरा नंबर, ए जो दिया है वो दोस्तों 7 दिया है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए ऐसे प्रश्नों को दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि एक एक चीजें करिए, एलिमिनेशन विधि काफी बेहतर होता है दोस्तों, एक के बाद एक काटते चले जाइए, आपका 1 से 2, 2 से 3 सेकंड के अंदर सारी चीजें आ जाएगी, मैक्सिमम 3 सेकंड लगेगा दोस्तों।
और यही रीजनिंग मैं पूछ पूछ यही रीजनिंग एग्जामिनर रीजनिंग का टेस्ट इसीलिए लेता है दोस्तों कि आपको कॉमन चीजें आती हैं कि नहीं, उत्तर के तक कैसे पूछना है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ देते हैं दोस्तों। ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ कथन दिए गए हैं और उसके निष्कर्ष दिए हैं, आपको बताना है कि निष्कर्ष सही है या गलत है। चलिए कथन का डायग्राम बनाते हैं। कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं, ठीक है दोस्तों, अच्छी बात है, अच्छी बात बस प्रश्न में है दोस्तों, रोगी होना अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर जो होते हैं वो दोस्तों रोगी होते हैं, ठीक है। कुछ की बात कर रहा है, केवल कुछ की बात कर रहा है, तो जो कुछ का पार्ट आएगा वो ये आएगा, ठीक है दोस्तों, कुछ का पार्ट ये आएगा। कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं, यानी डॉक्टर जो हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, रोगी, ठीक है। कुछ रोगी ईमानदार होते हैं, ठीक है, कुछ रोगी जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। हमारा डायग्राम बन गया दोस्तों, अब देख लीजिए क्या पूछ रहा है। ये देखिए, इसमें जो है रोगी ईमानदार दोनों आ रहे हैं, इसमें रोगी ईमानदार दोनों आ जाएंगे और इसमें डॉक्टर और रोगी आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं क्या पूछ रहा है दोस्तों निष्कर्ष में। कुछ डॉक्टर ईमानदार होते हैं। नहीं, देखिए डॉक्टर और ईमानदारी का कोई कनेक्शन ही नहीं है, डॉक्टर और ईमानदारी का कोई कनेक्शन नहीं। निष्कर्ष एक गलत हो जाएगा। सभी रोगी डॉक्टर होते हैं, एब्सोल्युटली गलत है। सभी रोगी, ये जितने भी रोगी यहाँ पे हैं दोस्तों ना, ये सारे के सारे रोगी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर इधर है, ये जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट है ये केवल रोगी और डॉक्टर को दिखाता है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सभी रोगी जो है वो डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर ज्यादा है, इधर भी है, तो दोस्तों रोगी से अलग है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, हमारा ए और दो दोनों अनुसरण नहीं करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रैक्टिस हो रही है दोस्तों, ऐसे प्रश्न बार बार आपको मिलते रहेंगे, तो इसलिए आप लोग तेजी से चलिए और घबराइए नहीं, ठीक है दोस्तों। देखिए ऐसे प्रश्नों को क्या किया जाता है दोस्तों, अगर जो शुरू का ही ये दे दिया है, दूसरे नंबर पे ही दे दिया है और आपको समझ में ना आए दोस्तों, ठीक है, समझ में ना आए, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, सबसे पहले इधर से पकड़ लीजिए, एम के बाद एन हो रहा है, ओ के बाद पी हो रहा है, क्यू के बाद आर हो रहा है, यानी प्लस वन की सीरीज चल रही है, प्लस वन की सीरीज चल रही है, ठीक है। जी के बाद एच हो रहा है दोस्तों, आई के बाद जे हो रहा है और के बाद एल हो रहा है, यानी प्लस वन इसमें भी चल रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों इसमें भी प्लस वन इसमें भी चलना चाहिए। ये देखिए एक 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 जोड़ा ये बन जा रहा है, एक पेयर ये बन जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा पेयर यहाँ बन जाएगा, क्या बनेगा दोस्तों, ए सी ई, ठीक है, देखिए ए सी ई, ठीक है। ए के बाद क्या आता है दोस्तों, बी आता है, सी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी आता है, और ई के बाद क्या आता है दोस्तों, एफ। देखिए कहीं दिया हुआ है दोस्तों, बी डी एफ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें एग्जामिनर ने आपको बस इतना सा घुमा दिया है कि ये दूसरे नंबर पे दे दिया, तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि आपको इधर से देखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर से आपको देखने आ रहा है कि नहीं। तो दोनों तरफ से आप देखिए, कोई जरूरी नहीं है जो दोस्तों की जो ट्रेडिशनल वे में आप लोग पढ़े हैं उसी चीज को फॉलो करें, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, अगला प्रश्न आ गया, अच्छा प्रश्न आ गया। स्टुअर्ट जूली का भाई है, ठीक है, स्टुअर्ट जो है दोस्तों भाई है, यानी लड़का होगा। लड़के को कैसे बनाएंगे दोस्तों, त्रिभुज से बनाएंगे, आप लोगों को कितनी बार मैंने बता चुका है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों आराम से देखिए, रीजनिंग के प्रश्न को जितने आराम से करेंगे उतने अच्छे से, उतने जल्दी और उतना ही इजी तरीके से हो जाएगा। स्टुअर्ड ये हो जाएगा, स्टुअर्ड हो जाएगा, और जूली नाम से कंफर्म है दोस्तों कि ये एक लेडीज है, ठीक है, भाई बहन है, ठीक है, ये जूली हो जाएंगी। स्टुअर्ड के पिता आप देखिए, स्टुअर्ड के जो पिता हो जाएंगे दोस्तों, स्टुअर्ड के यहाँ पे एक पिता हो रहे हैं, ऊपर जाएंगे पिता के लिए, ठीक है, के पिता मैरी की बहन की माँ के पति हैं। देखिए अब
दो लोग तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। अब एक अलग सी आ गई लड़की, वो है मैरी, ठीक है। तो स्टुअर्ट के ये जो पिता है, देखिए स्टुअर्ट के ये जो पिता है, अब हमको अलग डायग्राम बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। एक तो बन गया, दूसरा बनाइए मैरी की बहन। चलिए ये मैरी होंगी, ये मैरी होंगी, मैरी की एक बहन हो जाएंगी दोस्तों, मैरी की बहन की माँ, इनकी माँ हो जाएंगी एक, मैरी की बहन की माँ के पति, इनके पति हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, इनके पति हैं। अब समझ में आ गई दोस्तों बात, अब चीजें समझ में आ गई दोस्तों। देखिए अब देखिए ये जो है यही पति हैं, किसके पति हैं दोस्तों, किसके पति हैं, वो मैरी की एक बहन है उनकी माँ के, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं ये, अब इसी चीज को यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए। ये मान लीजिए कि ये यस हैं दोस्तों, ठीक है, नहीं ये यस तो ऑलरेडी हम नोट कर दिया है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो है, इनको हम मान लेते हैं पी हैं, ठीक है, इनको मान लेते हैं पी हैं। तो यही पी जो है, यही पी है, इसी पी को इनको यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए, क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगी फिर, ठीक है। और ये आपको पता ही है कि अब हम नीचे इनके लाएंगे और आगे देखिए क्या लिख रहा है कि और उन्हें दो बेटियां और एक बेटा है, और उन्हें दो बेटियां और एक बेटा है, ठीक है। तो एक तो जूली हो जाएंगी और एक जो हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगी दोस्तों, मैरी हो जाएंगी, ठीक है, मैरी हो जाएंगी। और ये जो है इनकी मदर हो जाएंगी, ठीक है, ये जो होंगी इसकी क्या हो जाएंगी, ये मदर ही तो है दोस्तों, ये मदर है, ठीक है, ये मदर है, ठीक है, ये मदर है। आगे क्या कर रहा है, उन्हें दो बेटियां और एक बेटा है। तो दोस्तों सर्टेन हो गया, दोस्तों सर्टेन हो गया कि ये दो लड़कियां, एक लड़की ये हो गई, एक लड़की ये हो गई और एक लड़का ये हो गया, ठीक है। तो हमने जो डायग्राम बनाया बिल्कुल सही बनाया। जूली मैरी से कैसे संबंधित है, अब देखिए जूली मैरी से कैसे संबंधित है दोस्तों, बहन ही तो है ना जूली, जूली मैरी से कैसे संबंधित है दोस्तों, वो बहन ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। वो बहुत इजी प्रश्न है, आराम आराम से करते आइए, दिमाग को एकदम शांत करके चीजों को देखिए, बहुत ज्यादा नहीं जाना है दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन प्रोडक्टिव पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक खास कोड में यदि फोर्क को सलाद बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, देखिए फोर्क को सलाद कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न बहुत इजी होते हैं लेकिन काफी थोड़े से टफ भी होते हैं, सॉरी दोस्तों। जो फोर्क होता है दोस्तों उसको क्या बोल देते हैं, उसको सलाद बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो रोटी का प्लेट, रोटी जो है को, रोटी को प्लेट बोलते हैं दोस्तों, रोटी जो है उसको क्या बोलते हैं, प्लेट, ठीक है। सलाद को कप बोल देते हैं दोस्तों, सलाद, सलाद को क्या बोल देते हैं, कप बोल देते हैं, ठीक है। सेसर को क्या बोलते हैं दोस्तों, फोर्क बोल देते हैं, सेसर को फोर्क बोल देते हैं, सेसर को क्या बोलते हैं दोस्तों, फोर्क, ठीक है। और कप को रोटी कहा दिया जाता है, कप को क्या कहा दिया जाता है दोस्तों, रोटी। देखिए मैं आपको समझाने के लिए इतना बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ भी है नहीं प्रश्न में। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से आप किसे फल के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखिए फल काटने के लिए जो इस्तेमाल होता है ना दोस्तों उसको फोर्क बोलते हैं, ठीक है। जो फल काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो फोर्क, जो जो आपका कह सकते हैं कि जो उसका औजार होता है वो होता है फोर्क, ठीक है, फोर्क होता है। तो देखिए फोर्क को क्या कहा जाता है दोस्तों, फोर्क को कहा जाता है सलाद, फोर्क को क्या कहा जाता है, सलाद। तो फल लेने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, फल लेने के लिए हम सलाद का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग थी तो इसलिए मुझे सुधारना पड़ा था, ठीक है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग थी इस प्रश्न में, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे आप लोगों को ऐसे बताते रहें और कहीं मिस प्रिंटिंग हो जाए दोस्तों तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके भी खराब हो जाएंगे, मेरे भी खराब हो जाएंगे। तो
दोस्तों ये जरूरी है कि जब भी मैं आपको कुछ बताऊं तो उससे पहले सारी चीजों को इवेलुएट कर लो, तो तभी मैं आपको कोई भी चीज बताता हूं दोस्तों जब उसका इवेलुएशन मैं ऑलरेडी कर रखा रहता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों हम गलत चीजों को आपको नहीं बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या कह रहा है दोस्तों, 7 लोग आई जे के एल एम और एन ओ एक दूसरे के आमने सामने एक सर्किल में बेहतरीन बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित पे विचार करिए और आधारित सवालों का प्रश्न करिए। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, 7 लोग बैठ रहे हैं। ठीक है, कैसे बैठ रहे हैं, एक सर्किल में बैठ रहे हैं, 7 लोग को यहाँ बैठाइए पहले। ठीक है, 7 लोग, चलिए 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग और 7 लोग। ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों वैसे वैसे करते जाइए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। 7 लोग को हमने बैठा दिया एक सर्किल में। पहला स्टेप देखिए, जो चीज सर्टेन हो दोस्तों, जो चीज सर्टेन हो उसी को लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं कि जो चीज सर्टेन ना हो उसको लेके और आप परेशान हो जाओ। ठीक है, अब ये नहीं कि जी ओ और एम के बीच में बैठा है तो जी ओ को कहीं भी बैठा दो। देखिए सर्टेनिटी कैसे पहचानेंगे, चलिए अभी हम प्रश्न बताएंगे कि सर्टेन क्या है। जी ओ और एम के बीच में बैठा है, ये सर्टेन चीजें नहीं है, इसको स्किप करेंगे, पहले लाइन को नहीं पढ़ेंगे। ना तो यल और ना ही आई के ठीक दाहिनी ओर बैठा है, ये भी सर्टेन चीजें नहीं है, नहीं करेंगे इसको। ओ न के या न यन के बगल में बैठा है, ये भी सर्टेन नहीं, इसको भी नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, यन यम के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, यानी ये चीज सर्टेन दे दिया है कि जो यन होगा वो यम के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा होगा। चलिए तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग करते क्या है दोस्तों, ऐसे जब सर्टेनिटी दी रहती है ना तो पहले यहां से एज्यूम करना शुरू कर लीजिए दोस्तों, यहां से एज्यूम नीचे से। और ये जो होता है दोस्तों, ये जो होता है ये बायां होता है, ये बायां होता है, और ये जो होता है दोस्तों वो होता है दायां। ठीक है, ये जो होता है वो होता है दायां। ठीक है, इधर ऐसे जाओगे तो दायां होगा और वैसे जाओगे तो बायां होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए के जो है यम के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, तो चलिए सॉरी यम यन जो है यम के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। चलिए हम यम को यहाँ बैठा रहे हैं दोस्तों, यम का बायां ये होगा दोस्तों, यम का बायां यही तो होगा। ठीक है, अपने दायां बायां देख लीजिए, तीसरे स्थान पे 1 2 3 तीसरा स्थान आपका ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तीसरा स्थान आपका क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, दायां बायां का कंसेप्ट आप लोग देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके यन हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए यल जो है अब क्या दे दिया है, अब देखिए एक चीज सर्टेन हो गई कि हमको इस लाइन को नहीं देखना, आप ये 4 वाला हमारा हो गया है। ठीक है, हमको 4 को नहीं देखना। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यम जे ओ और यम के बीच में बैठा है, और यम जो हमारा है कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बैठाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये ओ यहाँ भी हो सकता है और ओ जो है दोस्तों यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए कुछ देर के लिए हम स्किप करते हैं और ओ को यहाँ बैठा लेते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, तो 1 से 2 सेकंड में पता चल जाएगा कि चीजें कहाँ से संभव हो रही हैं। ठीक है, तो जे ओ देखिए, जे जो है दोस्तों ओ और यम के बीच में बैठा, देखिए जे यहाँ भी बैठ सकता है, जे यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक है, चलिए हम बैठाते हैं जे को यहाँ पे। जे जो है दोस्तों ओ और यम, तो अगर जो ओ एम के बीच में, तो ये सर्टेन है कि ओ दोस्तों यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यानी अब हमारा जो है दोस्तों ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 दिया है ये भी हो गया। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। न तो यल और ना ही आई के ठीक दाहिनी ओर बैठा है, यानी के ठीक दाहिनी ओर दोस्तों ना यल बैठा है ना आई बैठा है। तो अगर तो देखिए दोस्तों, के को हम यहाँ बैठा लें दोस्तों, के को आप देखिए कॉमन सेंस और प्रैक्टिस यही है दोस्तों, कॉमन सेंस और प्रैक्टिस यही है। तो के का दाया क्या हो जाएगा दोस्तों, के का दाया ये हो जाएगा, के का दाया इधर हो जाएगा। तो के दाया की ओर यम बैठ गया है और जे बैठ गया है, यानी जो स्टेटमेंट इसमें दे रहा है वो हम 100% राइट कर पा रहे हैं। जो न तो यल और ना ही आई के ठीक दाहिनी ओर बैठा है, यानी हमारा ये भी हो गया, सर्टेन आउट हो गया। अब देखिए,
हमने इजिली कितने को फिगर आउट कर लिया दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोगों को हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर चुका है, और 7 लोग हैं, 2 लोग को क्या करना है और हमको पता करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यल यन के तत्काल दाहिने नहीं बैठा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यल जो है यन के तत्काल दाहिने नहीं बैठा है। ठीक है, तो यल जो तब दाहिने नहीं बैठा है दोस्तों, तो कहाँ बैठ जाएगा, वो बैठ जाएगा बायां। बायां क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यन हो जाएगा, यन का बायां ये यल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक ही अब बैठ रहा है दोस्तों, हमारा ये भी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 भी हो गया। अब आइए तीसरे पे, ओ न के या न यन के बगल में बैठता है, यानी ओ जो है न तो के बगल में बैठता है और न ही यन के बगल में बैठता है। तो ठीक है, जो हमने किया हुआ एब्सोल्युटली राइट है। तो एक जो हमारा बच रहा है दोस्तों, वो कौन सा बच रहा है दोस्तों, हमारा केवल आई बच रहा है, तो आई यहाँ बैठ जाएगा दोस्तों। अब चलिए अब देख लीजिए दोस्तों, यल के तत्काल बाई और कौन बैठा है दोस्तों, यल के तत्काल बाई और जो बैठा है दोस्तों, वो तो यन बैठा है ना। बाया तो ऐसे ही मैंने बताया था कि बाया ऐसे चलेगा, वो क्या बैठा है दोस्तों, यन, ऑप्शन नंबर सी। कौन यम के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, यम के बाएं से दूसरा, यम जो है दोस्तों ये है, यम का बाया दूसरा, क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा यल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, ओ सर्किल छोड़ देता है तो कौन जे के दाहिने से 5 बैठा है, यानी चलिए ओ को अब हटा दीजिए, ओ सर्किल छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, ओ से कोई मतलब नहीं हमको, ओ सर्किल छोड़ देता है तो जे के दाहिने से 5वें स्थान पर, ये जे है, जे कहाँ है दोस्तों, फिगर आउट करिए, जे ये है। दाहिना क्या बोला है मैंने दोस्तों, दाहिना ये बोला है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 क्या दोस्तों, यम ही तो है ना दोस्तों, 5वें स्थान पे यम हो गया, ये यम ही तो 5वें नंबर पे आ रहा है जे के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे मेथड को, नहीं समझे होंगे तो फिर एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि हमको सारे प्रश्न यहाँ कराने अति आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न दे दिया है दोस्तों, देखिए एक डायग्राम दे दिया है, इसी डायग्राम के आधार पर आपको उत्तर देने हैं। उत्तर क्या है दोस्तों, रेखागणित, बीजगणित और ट्रिग्नोमेट्री दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि रेखा गणित की जगह ट्रिग्नोमेट्री को पसंद करने का अनुपात क्या है, यानी रेखा गणित और ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात बताइए। ठीक है, तो रेखा गणित और ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात बताना है दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, चलिए निकालिए रेखा गणित, रेखा गणित कहाँ है दोस्तों, रेखा गणित 15, 75 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 और 75 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, 90, 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 90, 20, 110 हो जाएगा, 110, 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 130 तो हो गया रेखा गणित। ठीक है, और क्या पूछ रहा है दोस्तों, और पूछ रहा है त्रिकोणमिति ये वाला है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 75 और 35 कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 और 50 कितना हो जाएगा दोस्तों, 160 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 180। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 13:18, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये सारे प्रश्न आपको देखने में बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन हमारा विश्वास करिए कि अगर जो आपकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी रहेगी तो आप लोग इस प्रश्न को स्किप कर जाओगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि जब कोई बताता है ना दोस्तों तो इजी सारी चीजें इजी लगती हैं, लेकिन अगर जो आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है दोस्तों और आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो और तो वहां पे आप होपलेस हो जाते हो। ठीक है, तो आपको होपलेस नहीं होना है, चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों चैनल को, वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मुझे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ये 17 है, 17 के बाद 19 आ रहा है दोस्तों, देखिए 17 के बाद 23 हो जा रहा है, फिर 19 हो जा रहा है, फिर 25 हो जा रहा है, फिर 21 हो जा रहा है, इसका कोई सेंस नहीं करता है मैं। ठीक है,
फिर क्या कर रहा है दोस्तों, 17 के बाद 19 कर लीजिए, 19 के बाद 21 कर लीजिए, ठीक है। अगला देख लीजिए, 23 के बाद 25 हो जा रहा है, और 25 के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, 27 होना चाहिए, बस हमको आगे जाना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे, सर ये तो 21 से 31 अब हो जा रहा है। ये भी बात सही है, आपकी भी बात सही है, लेकिन अगर जो हमारा काम यही खत्म हो जा रहा है तो ये भी तो हो सकता है कि 31 के बाद फिर 41 दे दे, ठीक है, नहीं 31 के बाद फिर यहाँ से क्या दे दे, यहाँ से दे दे दोस्तों ये 37 दे दे। तो अभी तक क्या चला रहा है दोस्तों, अभी +2 चला रहा है, आगे +10 चलाने लगे, ये भी तो हो सकता है। तो आपको करना क्या है, अपने काम की चीजों तक ही रीच करना है, आपको इधर उधर बहुत भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करिए, ये 27 यहाँ पे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आगे है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं और आपको बताना होगा इन सारे प्रश्नों को बहुत इजी तरीके से। देखिए कह क्या रहा है, त्रिभुज है, त्रिभुज में फिल्म को दर्शाया गया है, एक वृत्त है उसमें स्पोर्ट को दर्शाया गया है, और जो चतुर्भुज है उसमें क्या है, फोटोग्राफी को दर्शाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताइए इसको कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, जब मैं सॉल्व करूं तो थोड़ा सा वीडियो को आप लोग रोक लीजिए, और वीडियो को रोकने के बाद आप लोग अपने मन से भी प्रयास करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में दिया है, कितने लोगों को फिल्मों और स्पोर्ट दोनों पसंद है, यानी फिल्म कौन है दोस्तों, फिल्म यहाँ पे अवेलेबल है और स्पोर्ट जो है यहाँ अवेलेबल है, तो केवल फिल्म और स्पोर्ट कितने लोगों को पसंद है दोस्तों, 32 लोगों को ही तो पसंद है। देखिए ये त्रिभुज में और वृत्त में कितने लोग आ रहे हैं, केवल 32 लोग ही तो आ रहे हैं दोस्तों, त्रिभुज और वृत्त में केवल 32 लोग आ रहे हैं, और पूछ रहा है कि केवल जो है तो कितने लोगों को फिल्म और स्पोर्ट पसंद है, ठीक है, किंतु फोटोग्राफी नहीं, ठीक है, फोटोग्राफी नहीं पसंद होनी चाहिए। ये फोटोग्राफी यानी ये चतुर्भुज के वर्ग के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 32 लोग ऐसे हैं जो फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स दोनों पसंद है, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। देखिए इजी प्रश्न है, लेकिन अगर जो आप लोगों को पहली बार देखोगे, आप लोग पहली बार इस प्रश्न को देखोगे तो काफी दिक्कत होने वाली है आप लोगों को। कितने लोग को स्पोर्ट्स पसंद है, स्पोर्ट्स कितने लोग को पसंद है दोस्तों, स्पोर्ट्स आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स कितने लोग को पसंद है दोस्तों, देखिए स्पोर्ट कितने लोग को पसंद है, 69, 42, 44, 32 और 21, 9, 4, 13, 13, 2, 13, 2, 15, 16, ठीक है दोस्तों। अब आप कॉमन सेंस से ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हो, क्योंकि लास्ट में कोई भी जो अंक है वो 6 में ही है, ठीक है, तो ठीक है कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो, लेकिन चलो एक बार देख लो, ठीक है। 6, 4, 10, 10, 3, 13, 2, 15, 1, 16, ठीक है, 166 इज द राइट आंसर। कितने लोगों को फोटोग्राफी और स्पोर्ट पसंद है परंतु फिल्म में नहीं, ठीक है। अब क्या होना चाहिए दोस्तों, फिल्म में पसंद नहीं होनी चाहिए, या उनको अब त्रिभुज में आने की जरूरत नहीं है, त्रिभुज में भी नहीं आने चाहिए, उनको क्या आने चाहिए, उनको इस वृत्त में आने चाहिए और उनको इस चतुर्भुज में आने चाहिए। तो 44 लोग ऐसे हैं जिनको फिल्में पसंद नहीं है किंतु फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स पसंद है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, अच्छे अच्छे प्रश्न है, जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। देखिए कथन दे दिया है, उसके आधार पर निष्कर्ष आपको देना है दोस्तों। निष्कर्ष क्या है, सभी साइकिल कारें हैं, सभी की बात कर दिया है, सभी साइकिल जो है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, सभी साइकिल जो है वो कार हैं, सभी साइकिल क्या है दोस्तों वो है कार, ठीक है, और सभी कारें जो है दोस्तों वो बसें हैं, सभी कार जो है वो बस है।
अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए सभी की बात करें तो पहला जो होता है वो अंदर होता है और दूसरा होता है वो बाहर होता है। सभी पहला अंदर रहता है, दूसरा बाहर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे चीजों पे तो आपको ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सभी साइकिल कारें हैं, यानी जितनी साइकिल हैं सबके सब कार हैं, यानी कार की जो संख्या होगी वो साइकिल से अधिक होगी, ठीक है। तो साइकिल जो होगा वो अंदर हो जाएगा, कार बाहर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों निष्कर्ष पे। कोई भी बस साइकिल नहीं है, कोई भी बस जो है वो साइकिल नहीं है ना, ये गलत है दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो बस है ये साइकिल के अंतर्गत आ रहे हैं दोस्तों, तो ठीक है ये गलत हो जाएगा। कुछ साइकिल हैं जो बसें हैं, ठीक है ये गलत हो जाएगा। अगला है कुछ कारें साइकिल हैं, ये कार हैं दोस्तों, ठीक है, और ये साइकिल हैं। एग्जैक्टली कुछ जो कार है दोस्तों वो साइकिल के अंतर्गत आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ठीक है। क्या करता है दोस्तों, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चलिए दोस्तों बढ़ जाते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाइना अगर जो एशिया के अंतर्गत आता है दोस्तों, सबको पता है कि जो चाइना होता है दोस्तों, चाइना जो कंट्री है वो एशिया के अंतर्गत आती है, और तो ग्रीनलैंड किस देश के अंतर्गत आएगी दोस्तों। देखिए रीजनिंग में ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोग कम से कम आपको इतना पता चल रहा है कि कौन सा देश किस महाद्वीप में अवस्थित है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे चाइना जो है वो एशिया महाद्वीप में है, वैसे ही जो ग्रीनलैंड है दोस्तों वो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है दोस्तों। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, फिर से बहुत अच्छा प्रश्न आ गया दोस्तों। कुछ बल्ले गेंद हैं, सब गणिया गेंद है, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ बल्ले गेंद हो गए, ठीक है, और सब छड़ियां जो होगी यहाँ पे सारी छड़ियां होगी दोस्तों। देखिए सब छड़ियां गेंद हैं, तो छड़ियां जो होंगी वो गेंदों के अंदर ही आएंगी दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, कुछ बल्ले गेंद हैं, ठीक है, और सब छड़ियां गेंद हैं, सारी छड़ियां यहां बन जाएगी छड़ी, ठीक है। सब छड़ियां बल्ले हैं, नहीं सब छड़ियां बल्ले नहीं हो सकते हैं। देखिए दोस्तों छड़ियां यहां भी हो सकती हैं, ठीक है, और छड़ी हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, छड़ी यहां भी आ सकती है, ठीक है। तो चलिए ऐसे भी बना लेते हैं, लेकिन एक ही सही होगा, दो ऑप्शन दो प्रोबेबिलिटी बन रही है, देखिए किस पे दे रहा है। सभी छड़ियां बल्ले हैं, नहीं बल्ले अलग है, गलत हो गया। कुछ गेंदे छड़ियां हैं, बिल्कुल ये सही हमको लग रहा है, देखिए ये बिल्कुल सही है। कुछ बल्ले जो हैं छड़ियां हैं, नहीं, अगर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहीं पे सही हो जा रहा है तो एक चीज हमारा सर्टेन हो गया कि ये जो छड़ी है वो यहाँ है, ठीक है दोस्तों, छड़ी यहाँ होगी। सब गेंदे छड़ियां हैं, ठीक है दोस्तों ये भी चीजें सर्टेन हो जा रही हैं, सारी गेंदे नहीं, सब गेंदे, देखिए जो गेंद है दोस्तों ये बड़ा है, गेंद ज्यादा है, छड़ियां कम है, तो सब गेंदे जो छड़ियां नहीं होंगे, ये भी ऑप्शन नंबर हमारा गलत हो जाएगा। तो हमको पता चल गया दोस्तों कि जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है वो दूसरे वाले से ही बन रहा था जो हमने बनाया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या देता है दोस्तों कि जो कथन दिया है उसको सत्य मान लिया जाता है, अपना उसमें दिमाग आपको नहीं पुट करना होता है कि ये सही है कि गलत है, ठीक है, जो चीज दिया है वो चीज सही दिया है, ठीक है, आप इस चीज को मानिए भले से ही वो व्यवहारिक जीवन में तार्किक हो चाहे ना हो, ठीक है। तो क्या दिया है दोस्तों, कथन क्या दिया है, शराब मानव की उन घन सेमी में से एक है जो एक नशेड़ी की इच्छा शक्ति का चरम सीमा परीक्षण करती है, यानी जो शराब होती है दोस्तों वो एक नशेड़ी का इच्छा शक्ति परीक्षण करती है कि उसकी इच्छाएं कितनी है, ठीक है। अब देखिए कथन दे दिया, निष्कर्ष क्या दिया है दोस्तों,
नशेड़ियों के लिए शराब छोड़ना मुश्किल है। देखिए, शराब छोड़ने की और पकड़ने की यहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है, छोड़ने पकड़ने की कोई बात नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। मनुष्य की अन्य कमजोरियां है, कमजोरियों की भी बात नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है, परीक्षण की बात कर रहा है, कमजोरियों की बात नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, न ए और न दो, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ये प्रतीक में उपयुक्त सेट का चयन करिए दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को मैं एक बार नहीं कई बार आप लोग को बताया हूँ कि सबसे पहले जो टेस्ट करने का फंडा बनाइए वो बनाइए सी ऑप्शन, फिर डी ऑप्शन, फिर बी ऑप्शन, फिर ए ऑप्शन, ठीक है। 90% दोस्तों ये चांस होता है कि सी और डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 90% चांस होता है कि सी और डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए, 1 से 2 सेकंड लगता है दोस्तों, आप देखिए। और ऐसे प्रश्नों में दोस्तों दशमलव उशमलव से भी बचना चाहिए, ऐसा नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए कि दशमलव आ जाएगा फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं। चलिए हम अगर जो ऑप्शन को चेकआउट करते हैं दोस्तों, सी को सबसे पहले हमने क्या रिकमेंड किया आपको, सी, सी को अगर जो हम करते हैं दोस्तों, यहाँ प्लस करते हैं, ठीक है, यहाँ माइनस करते हैं और यहाँ भाग करते हैं, और हम रिजल्ट देख रहे हैं कि 49 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो यार देखो, ये तो जो है वो चला जाएगा, क्या दशमलव में चला जाएगा, और हमारा जो वो आ रहा है, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो दशमलव में नहीं आ रहा है। तो हमको यही सर्टेन हो गया कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव में हम लोग को नहीं लाना है, रेयर आता है दशमलव। चलिए डी में देखते हैं, डी में देखने पे ही शुरुआती दौर में ही हमको लग गया कि यहाँ भाग हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ये भाग हो रहा है दोस्तों, यहाँ गुणा कर देंगे और ये क्या कर देंगे दोस्तों, ये प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए 72/8 72/8 × 5 +4, देखिए दोस्तों 49 आ रहा है क्या, करिए, करिए दोस्तों। बोर्ड मास का नियम लगाइए, बोर्ड मास जरूरी होता है, जरूरी क्या होता है, बोर्ड मास पे ही, अगर बोर्ड मास से आप लोग नहीं करोगे तो आंसर गलत करोगे। 8 × 72 9 × 5 + 4 9 × 5 = 45 + 4 = 49, यानी हमारा सर्टन हो गया दोस्तों कि ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।